कि अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी तो फिर एक्सपेक्ट वही करना चाहिए जब आप अपोजिशन में जाएं कि आपके साथ भी यही होगा। ये विशेष सर्कल बन जाएगा न्याजी साहब, आप एक जीरक सियासतदान हैं, सियासत के अंदर अगर ये विशेष सर्कल शुरू हो जाए तो इस सर्कल को ब्रेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कौन तोड़ेगा, कौन पहल करेगा इसको तोड़ने में? देखिए बात फिर वही आ जाती है जिसमें मैं पहले यहां से शुरू हुआ था कि मैं कोई ऐसा लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि किसी को गड़ा गुजरे, लेकिन यह कि ये जो जो कुछ भी हमारे मुल्क में हो रहा है जब से शुरू हुआ है 2014 से ले लें, जो हुआ और जिस तरीके से हुआ, बेमकसद हुआ, उसके क्या मकासद थे, क्यों था, दैट वॉज जस्ट कलेक्शन का एक तरीका कार था कि आज से हम अपनी कलेक्शन शुरू कर देंगे और ये हमारा तरीका कार होगा कि हम कैसे करेंगे कलेक्शन और कौन कौन सा हरबा इस्तेमाल करेंगे कलेक्शन करने में। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है, इमरान खान की पॉलिटिक्स, इमरान खान को मैं आज तक सियासतदान नहीं समझ सकता, ना वो सियासतदान है, ना वो कभी सियासतदान बन सकते। हर किसी की अपना एटीट्यूड होता है, हर किसी अपनी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन होती है। इमरान की एजुकेशन ही ऐसी नहीं है कि जिसमें सियासत का कहीं से नाम उठ रहा हो, ऐसा वो पॉलिटिकल रियलिटी तो है ना। बिल्कुल पॉलिटिकल रियलिटी की बात में और दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मुझे किसी पार्टी का हेड बना दिया जाए और मेरे करदार के पीछे कोई और चीजें बैठी हो, ये मोहतरमा ने जो अभी बातें की है जिस तरीके से की है, मुझे एक बात बताएं, जैदी साहब को किस केस में पकड़ा गया? फ्रॉड के केस में। जैदी साहब ने फ्रॉड किया था और फ्रॉड उसके गौर हो गया, क्या था लगवा था उसके आज से 13 साल पहले। खान साहब का टेरिंग का जो केस है, क्या वो गलत केस है? इमरान की अपने बयान अल्फी पड़े हुए की अदालत के, उसमें कौन सी बात गलत है? मैं बात निकले ना, आगे निकले, सियासत की बात करें। मैं सियासत की बात पे इसमें आ रहा हूं। देखिए इस मुल्क में जब तक ये बैठा है आपको अमन नहीं मिलेगा, इस मुल्क में पॉलिटिक्स के अंदर कभी भी नहीं मिलेगा। तो एलिमिनेशन तो नहीं हो सकती ना न्याजी साहब, पॉलिटिकल एलिमिनेशन, या फिर वो जो इल्जाम लगाते हैं कि आप मतलब गवर्नमेंट उनको वैसे ही एलिमिनेट करना चाहती है, जानी तौर पर मार देना चाहती है। अभी उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि ईद के दिनों के अंदर भी जमान पार्क के अंदर अच्छा खासा कोई नहीं मार रहा जाता, बिल्कुल सब ड्रामा, सब झूठ है, सब अपना फ्रॉड है, कोई नहीं मारना चाहता उसको, वो अपनी मौत आ मर जाएगा, मुझे पता है। मैं इनको तो जुमा चार दिन होगा उसको पहचानते हुए, मेरी तो हमारी तो